आठवें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नाथनगर प्रखंड परिसर में पहले दिन कुल 109 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 7, सरपंच पद के लिए 4, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 5, पंच के लिए 17 और वार्ड सदस्य के लिए 34 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया को लेकर नाथनगर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं नामांकन दर्ज कराने में जुटे कर्मी खुलेआम कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। वहीं नामांकन को आने वाले प्रत्याशियों ने भी चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ था। नाथनगर में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। प्रखंड परिसर में नामांकन भी शुरू हो चुका है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई जगहों पर प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। निप्स अम्बई पंचायत के दिग्घी मनोहरपुर में पंचायत समिति उम्मीदवार की और पुरानी सराय में चांदनी कुमारी आदि का पोस्टर बैनर अब भी लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा न तो बैनर को हटवाया जा रहा है और न ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है। इसी कारण से प्रत्याशियों के मन में भी आचार संहिता का कोई डर नहीं है। उक्त मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी ने कहा कि अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को बैनर हटाने को कर बात की गई है, नहीं मानने वाले प्रत्याशियों पर आचार संहिता उल्लंघन का एफआईआर दर्ज किया जाएगा। आठवें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद मुखिया पंचायत समिति वार्ड सदस्य सरपंच पंच पदों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको बता दें आगामी 24 नवंबर को आठवें चरण में नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुल 14 पंचायतों में चुनाव होना है। वहीं नाथनगर प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र 14 से आरती यादव ने जिला परिषद उम्मीदवार पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं लोगों की स्नेह व प्यार की भारी संख्या में लोगों की भीड़ के साथ भागलपुर के अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। आरती यादव ने कहा कि क्षेत्र से जनता का काफी समर्थन मिला है, इस बार अगर जनता मौका देगी तो क्षेत्र की महिलाओं का विकास होगा और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा। हमारा नॉमिनेशन था और पूरे पंचायत से सभी महिला किसी का सहयोग रहा, समर्थन मिला जिससे कि वो लोग अपना पूरे आशा विश्वास के साथ ये आशीर्वाद देके बोले कि आप जो नॉमिनेशन करवाइए, हम आपका हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा कि आप जीत के आइएगा। पिछले पास उनके द्वारा भी पूरा आश्वासन मिला कि हमें भी जैसा आपने सहयोग दिया वैसा ही हमें आपको भी हम वैसा ही सहयोग देंगे। बाढ़ में, कोरोना में, हर तरह का दुख में आपने हमें साथ दिया है, वैसा ही हम लोग अपने पूरे एकजुटता के साथ आपको एकजुटता का परिचय देंगे। नाथनगर विधायक अली असफ सिद्दीकी ने सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव के गंगा नदी से हो रहे कटाव को देखने पहुंचे और इस दौरान विधायक ने प्रेस वार्ता भी की। विधायक ने मौके पर पहुंचकर आपदा प्रबंधन विभाग को फोन से सारी समस्या बताई और मांग की कि जिसका घर कटाव में बह गया उनको तुरंत सरकारी सहायता मिले। विधायक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वो विधानसभा सत्र में भी गंगा नदी से हो रहे कटाव को लेकर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि कटाव से सबौर प्रखंड के गाँव को कोई खतरा नहीं है। असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की थी, जिसमें अदालत ने विधायक का पक्ष रखते हुए सरकार को आदेश भी दिया कि 3 माह में कटाव से निपटने को लेकर तैयारी की जाए और समस्या से जनता को बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी भी सरकार ने ना तो जियो बैग उपलब्ध कराया और ना ही कटाव से बेघर लोगों को मुआवजा ही दिया है। विधायक ने कहा कि जन आंदोलन ही अब एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से जनता के हक में वो और उनकी पार्टी आवाज उठाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक प्रतिनिधि रंजीत कुमार, मोहम्मद ताज आलम, राजद के प्रदेश सचिव डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव के अलावे कई ग्रामीण मौजूद थे। हम अपनी सरकार को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम कहाँ खड़े हैं, सरकार कहाँ खड़ी है। ये जो कटाव हो रहा है लगातार देख रहे हैं, सबौर प्रखंड में अनेक गाँव गंगा में समाये जा रहे हैं, आप विधायक हैं, विधायक के स्तर पर क्या काम अभी तक किए हैं? हमने फरवरी में असेंबली में आवाज़ उठाया, असेंबली के में मंत्री का जवाब इतना दिग्भ्रमित करने वाला था कि हमने उसके अगेंस्ट में जनहित याचिका दायर किया और जनहित याचिका दायर करने में हमको सफलता मिली। सरकार को नोटिस दिया गया कि 3 महीने के अंदर काम पूरा करो और काम पूरा करके हमको रिपोर्ट करो। अगर हमको कहा गया कि अगर 3 महीने काम पूरा नहीं होता है तो आप हमको दोबारा रिव्यू कीजिए, हमसे दोबारा संपर्क कीजिए। ये कटाव तो हर साल होता है, प्राकृतिक आपदा होती रहेगी, रिंग बांध बनाने का निर्माण करने का भी यहाँ पर वादा किया गया था, हम उसी के लिए कार्य शुरू होने के बाद फिर रोक दिया गया। देखिए हम उसी के लिए काम कर रहे हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन हो ताकि कटाव मेरा
रुक जाए, मेरे इलाके को सुरक्षा प्रदान हो जाए। मंत्री जी ने तो कह दिया कि गांव सुरक्षित है कटाव से। आप देखिए क्या मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी कितनी बात हकीकत कह रहे हैं, इंग्लिश का नाम जोड़ा भी नहीं है, सरखा पंचायत को जोड़ दिया उन्होंने। कब तक इसका निदान निकल जाएगा? हम तो चाहेंगे कि भाई जितना जल्दी मुमकिन हो, एक महीने में हो, दो महीने में हो जाए वो, अगले बरसात से पहले तो होने होना चाहिए। आप फिलहाल जो जिनके घर पानी में समा गए हैं उनके लिए क्या करेंगे? उनके पुनर्वास के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तत्काल कुछ तो निदान निकालना होगा सर, जो सर को करा रहे हैं। कल ही सीओ को भेजा गया था डीएम साहब की तरफ से, और सीओ साहब यहाँ से अपना कुछ रिपोर्ट बना के गए हैं। अभी बात करेंगे उनसे, हमको क्या हुआ, आपका क्या दे रहे हैं हम लोगों को। आपदा विभाग द्वारा जब यहाँ पर घर टूट रहा था तो हम लोगों ने यहाँ पर कवरेज किया आकर के, तो आपदा विभाग द्वारा यहाँ पर कोई भी तरह का कार्य नहीं होने की सूचना मिली, जबकि ये कथन है, ये कहा गया है सरकार के द्वारा और कोर्ट के द्वारा भी कि अगर कहीं पर कटाव होता है या फिर कोई आपत्तिजनक काम होता है तो तुरंत आपदा विभाग होना चाहिए। लेकिन भागलपुर की पुलिस लाइन में पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी प्रशासनिक पदाधिकारी व पुलिस कर्मियों ने शिरकत किया। कार्यक्रम में अपने कार्यकाल में शहीद हुए पुलिस कर्मियों की याद में यह कार्यक्रम किया गया, जो पुलिस व पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। बताते चले पुलिस जवान व पुलिस पदाधिकारियों को जो अपने कार्यकाल में शहीद हो गए उनको याद करते हुए यह कार्यक्रम था। मौके पर रेंज DIG सुजीत कुमार, SSP नीतासा गुड़िया, CTSP स्वर्ण प्रभात, ASP शुभम आर्य सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। पीरपैंती प्रखंड के प्यालापुर चौक से नंदलालपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क, या यूं कहें कि इस रोड से जुड़ी दर्जनों गांव की लाइफलाइन कहे जाने वाली इस सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गाड़ी से चलना तो दूर की बात, अब इस रोड पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। हर रोज दोपहिया वाहन सवार व स्कूली बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। विभाग इस तरह सोया है कि इस रोड को चलने लायक भी मरम्मत कार्य भी नहीं करवा पा रहा है। अब देखना है कि इस पंचायती चुनावी मौसम में भी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की नींद खुलती है या इसी तरह से इस रोड में अपना जान जोखिम में डालकर लोग चलने को मजबूर रहेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा मध्य विद्यालय जगदीशपुर सहित प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज़ाद हिंद सरकार स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। चेतना सत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा गान किया गया। मौके पर आज़ाद हिंद फौज के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि ये विषय हमारे पाठ्यक्रम है, जबकि इस विषय को उत्सव मनाते हुए सिखाया जाता है तो बच्चे अच्छे तरीके से विषय वस्तु को आत्मसात कर लेते हैं। अवसर पर वासुदेव बिंदु, कल्पना, फूल कुमारी, सपना, वृंदा, राजकिशोर, पुष्पलता सहित छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही।